80 की आयु थी जिसके, पर लहू राजपुताना था। थे कुंवर सिंह जिनको सबने फिर भीष्म पितामह माना था। वन वन भटकाकर लूटा था सालों तक उन्हीं लुटेरों को। है नमन तुम्हें ए बलिदानी, मारा गिन गिन अंग्रेजों को। नमन उस वीर को जो 80 साल की उम्र में भी जवान था, जिस बिहार की माटी के वीर सपूत कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ यलगार किया था। ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी, वो फौलादी 80 साल का बूढ़ा नहीं, जवान से भी ज्यादा खौलता खून दौड़ता था उसकी रगों में। अरे खौलत खून महल नस नस में देख के गुलामी, देख के गुलामी, जवानी पागल मोछिया पयाई कुंवर के, ता जवानी पागल मोछिया पयाई कुंवर के। लड़ने लड़ाने तलवार चलाने और युद्ध कौशल में दुश्मन को चीर कर रख देने के लिए बाजुओं में जो ताकत जवानी में होती है, लेकिन 80 साल के कुंवर सिंह की चुस्ती फुर्ती और बहादुरी के आगे हट्टे कट्टे युवा भी घुटने टेक देते थे। देश के इस बूढ़े सिपाही की 80 साल की उम्र में दहाड़ से अंग्रेजों का कलेजा दहल जाता था। 1857 के महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उन्होंने जिस बहादुरी और रणकौशल का परिचय दिया, उसके किस्से आज भी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाती है। 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने। अंग्रेजों ने समाज को तोड़ने की जो नीति अपनाई, उसका जवाब उन्होंने सामाजिक ताने बाने को एक साथ भूल कर दिया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लेकर बिहार समेत पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले थे भोजपुर जिले के जगदीशपुर के 80 साल के राजा बाबू कुंवर सिंह। एक तरफ दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर अपने कांपते हुए हाथों से पत्र लिखकर समस्त भारत के देशी नरेशों को संग्राम में भाग लेने के लिए आह्वान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ करीब उसी उम्र के वीर बांकुरे बाबू कुंवर सिंह के हाथ में तलवार लेकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देशवासियों को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे थे। उनके विषय में तो मैं यही कहूंगा कि किसको है कब मैसर यह काम कर गुजरना, एक बांकपन से जीना एक बांकपन से मरना, जो जान को न जाने जो मौत को न माने, जीना उसी का जीना मरना उसी का मरना। कुंवर सिंह का जीवन था, वो समाज के लिए था, राष्ट्र के लिए था, केवल व्यक्तिगत कोई उनका मसला नहीं था। मेरठ दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में चल रही क्रांति की गूंज दानापुर छावनी में भी सुनाई पड़ रही थी। दानापुर के क्रांतिकारी सेना के जगदीशपुर पहुंचते ही बूढ़े कुंवर सिंह की रगों में जवानी का नशा चढ़ गया। दानापुर छावनी के विद्रोही सेनाओं के साथ कुंवर सिंह आरा पहुंचे और जेल खाने के कैदियों को रिहा कर अंग्रेजी दफ्तरों को ध्वस्त कर दिया। आरा इसीलिए महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया कि यह लड़ाई दूसरा देश में ऐसा कहीं स्थान नहीं रहा जहां अंग्रेजों को मात देकर के जीत हुई। अंग्रेज बाबू कुंवर सिंह ही ऐसे योद्धा थे उस समय जो कि यहाँ अपना स्वतंत्र झंडा लहराया था उन्होंने, इसलिए उसका आरा का बहुत बड़ा महत्व है। और पहला जो कलेक्टर नियुक्त किए थे याहिया खां को, उनसे झंडोत्तोलन करवाया था उन्होंने स्वतंत्र जगदीशपुर और भोजपुर में। कुंवर सिंह के नेतृत्व में जांबाजों ने महाराजा कॉलेज परिसर में बने छोटे से किले आरा हाउस को घेर कर उसमें छिपे अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए विवश कर दिया। तब ये जगह अंग्रेजी अफसर और सेना के लोगों के ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती थी।
आरा हाउस पर कुंवर सिंह का कब्जा हो चुका था और ये बिहार में अंग्रेजों की पहली हार थी। आरा हाउस आज भी 1857 के संग्राम की यादों को अपने अंदर समाये हुए है। 1857 के क्रांति में आरा हाउस का बेहद खास महत्व था। अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह ने आरा को लगभग 3 महीने तक अपने कब्जे में कर रखा था और ये वही आरा हाउस है जहां पे अंग्रेज सेना के लोगों को 7 दिनों तक वीर कुंवर सिंह और उनकी सेना ने घेर कर रखा था। ये वही आरा हाउस है जिसने अपने अंदर कई इतिहास छुपा रखे हैं। कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों को लगभग 7 से 8 दिनों तक इसी आरा हाउस के अंदर चारों तरफ से घेर कर रखा था और उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इतिहास में ये भी दर्ज है कि इसके अंदर रसद भी आने नहीं दिया गया था जिसकी वजह से अंग्रेजों की स्थिति खराब होती चली गई थी और आखिरकार यहाँ पे कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस आरा हाउस से जुड़ी हुई एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं वो एक सुरंग का जिक्र। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आरा हाउस के अंदर अंदर एक सुरंग आप देख रहे होंगे जो भी बंद जैसा है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जगदीशपुर किला से आरा हाउस से निकला हुआ जो सुरंग है वो जगदीशपुर किला तक जाता था और जगदीशपुर से और आरा के बीच में इसी सुरंग के रास्ते बाबू वीर कुंवर सिंह जाते थे और उनकी सेना का मूवमेंट होता था। और यही वजह है कि लगातार वो कई बार गुरिल्ला युद्ध के मार्फत अंग्रेजों को अचानक से हमला कर देते थे अंग्रेजों पर और अंग्रेज समझ भी नहीं पाते थे कि कुंवर सिंह की सेना किधर से गई या फिर कुंवर सिंह किधर से मूवमेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इतिहास के पन्नों में इस आरा हाउस का बेहद खास महत्व है। इस इमारत में बना सुरंग भी काफी चर्चित रहा है जो कुंवर सिंह की खास युद्ध नीति की पहचान मानी जाती है। आरा शहर को कुछ दिनों तक अपने कब्जे में लेकर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को चौंका दिया था। बाद में ब्रिटिश आर्मी ने आरा शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन इससे कुंवर सिंह के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा। कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ आरा का ये विद्रोह अब पूरे शाहबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय क्रांति का रूप ले चुका था। बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में छिड़ गई घमासान लड़ाई। इतिहास में बीबीगंज की लड़ाई बेहद खास मानी जाती है। कुंवर सिंह बेसिकली एक छोटे जमींदार थे। उनकी जो जमींदारी थी पीरो जगदीशपुर का जो इलाका था तो उस पर काफ़ी लगान गिर गया था और अंग्रेज़ों के साथ उनका कोई एक समझौता नहीं हो पा रहा था, बल्कि विलियम टेलर जो पटना का कमिश्नर था उसने उनसे बातचीत करने के लिए पटना बुलाया था और इसी बीच में उसने जो वहाबी नेता थे पटना को उनको कैद कर लिया था। तो कुंवर सिंह को जाहिर इस बात से अंदेशा हुआ, वो आए नहीं। लेकिन ये कि जब एक बार उन्होंने तय कर लिया कि वो अंग्रेज़ों की मुखालफत करेंगे तो फिर उसमें कहीं पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। तो ये बड़ी बात है कि एक आदमी इन तमाम परेशानियों के बावजूद, उम्र के बावजूद, सेहत के बावजूद ये लड़ाई लड़ रहा है। भले ही बीबीगंज का युद्ध अंग्रेज जीत गए हों, लेकिन इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह की बहादुरी से ब्रिटिश इतने प्रभावित हुए कि तब मेजर आयर ने कहा था, शुक्र है कुंवर सिंह 80 साल का बुजुर्ग है, अगर कहीं युवा रहता तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ जाता। वीर कुंवर सिंह का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बीबीगंज का जिक्र जरूर होगा। बीबीगंज वो जगह था जहां पे अंग्रेजों के साथ वीर कुंवर सिंह और उनकी सेना ने जबरदस्त युद्ध लड़ा था। बीबीगंज के युद्ध में अंग्रेजों को वीर कुंवर सिंह ने छक्के छुड़ा दिए थे और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है जहाँ पे वीर कुंवर सिंह का नाम अंकित है और एक तलवार लगाया हुआ है जो उनकी वीरता को दर्शाता है। बीबीगंज में जब अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे तो उस समय मेजर आयर ने कहा था कि शुक्र है कि वीर कुंवर सिंह 80 साल का योद्धा है, अगर कहीं युवा रहता तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ जाता। बाबू कुंवर सिंह 26 अगस्त 1857 को रोहतास होते हुए अपने हजारों अनुयायियों के साथ आगे बढ़ते रहे। मिर्जापुर जाने के क्रम में उन्होंने जीटी रोड पर कब्जा कर लिया।
मिर्जापुर में बाबू कुंवर सिंह का अधिक प्रभाव था। खुरावत शाहरोद होते हुए 30 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह नेवारी पहुंच गए। 10 सितंबर 1857 को कुंवर सिंह ने रीवा में प्रवेश किया, जहां हसमत अली और हरचंद्र राय ने उनका सहयोग किया। रीवा के बाद बाबू कुंवर सिंह बांदा पहुंचे, जहां के नवाब ने उनकी सहायता की। 21 नवंबर 1857 को वे ग्वालियर की क्रांतिकारी सेना और अपने समर्थकों के साथ कानपुर पहुंच गए। इसके बाद लखनऊ और फिर आजमगढ़। 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया नामक स्थान पर कुंवर सिंह ने पहले मिलमैन को पराजित किया। फिर 28 मार्च 1858 को कर्नल डेम्स को हराकर आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब वे अपने पैतृक रियासत जगदीशपुर को भी स्वतंत्र करना चाहते थे। इसी बीच जब वे लुगार्ड और डगलस को पराजित करते हुए 22 अप्रैल 1858 को बलिया के श्योपुर घाट पर गंगा नदी पार कर रहे थे, तब उन पर ब्रिटिश सेना की तरफ से अचानक गोली चलाई गई। गोली उनकी दाहिनी भुजा में लगी, जिसे काटकर उन्होंने गंगा में फेंक दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह के इतिहास को अगर आप जानें, तो उसमें सीपुर घाट का बेहद खास महत्व है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, सीपुर घाट के किनारे, जहां पे गंगा नदी कलकल करके बहती हैं। इसी सीपुर घाट के पास जब बलिया से एक सैन्य अभियान को पूरा कर बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर लौट रहे थे, तब अंग्रेजों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। अंग्रेजों के बंदूक से निकली एक गोली ने उनके बाएं हाथ को छेद दिया, लेकिन अपने धैर्य और साहस से बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने गोली लगे हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और अपने सेना के साथ बिहियां के जंगल की ओर चले गए। लगातार एक साल तक घाव के बावजूद उन्होंने कई बार अंग्रेजों से मोर्चा लिया। 26 अप्रैल को जब वो जगदीशपुर पहुंचते हैं तो घाव की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लड़ाई लड़ी गई थी, अब जानते हैं कि ऐसी लड़ाई देश नहीं दुनिया में कहीं नहीं देखी गई है कि लाठी से, भाला से, गणासा से, फरसा से, तलवार से, पारंपरिक हथियारों से लड़ते हुए लोगों ने और तोप छीन लिया हो, बंदूकें छीन ली हो और प्रशिक्षित सैनिकों से सामान्य नागरिक युद्ध किए हो, ऐसा महासंग्राम, लोमहर्षक संग्राम युद्ध के इतिहास। अंग्रेजों से चले लंबे संघर्ष में बाबू कुंवर सिंह का जगदीशपुर महल पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद केवल जन समर्थन के बल पर आधुनिक शास्त्रों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना का मुकाबला जिस रूप में कुंवर सिंह ने किया, वो स्वाधीनता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। कुंवर सिंह से जुड़ी उनकी स्मृतियां आरा के वीर कुंवर सिंह संग्रहालय में आज भी संजोकर रखी गई है, जिन्हें देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय में कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं और कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं जिसे देखने का मन आपका भी ललचाएगा। ऐसा ही एक तैलीय चित्र बनाया गया है बाबू वीर कुंवर सिंह का, और इसे पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों ने बनाया है, और इसके बारे में ये कहा जाता है पटना आर्ट कॉलेज से ये जो तैलीय चित्र है इसको लाया गया है, यहाँ पे पोर्ट्रेट लाया गया है, और इसमें जो तस्वीर आपको दिख रही है ये कहा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जब जवान थे, युवावस्था में थे, तब की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर की भव्यता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जवानी में कितने आकर्षक और व्यक्तित्व के धनी संजो के रखने की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक दो तलवारें भी रखी गई है, इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन ये दो तलवार खुद देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस समय बाबू वीर कुंवर सिंह जब किले में रहते होंगे तो जो अस्त्र का प्रयोग करते होंगे उसी अस्त्रों में से एक ये बताया जाता है। ये कटारनुमा हथियार है जिसका प्रयोग पहले होता था, और इस कटारनुमा हथियार को आप देख रहे हैं, और ठीक इसके बगल में एक छोटा सा तस्वीर बताई जा रही है, क्योंकि इस तस्वीर में आप देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह अपने हाथों में तलवार लेकर, और जब शिवपुर में जब अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई थी तो और एक हाथ में जब गोली लग गई थी तब वो अपने हाथों को काट कर माँ गंगा को
अर्पित किया था, तो उस वक्त की ये तस्वीर अलग अलग भी, एक तस्वीर ऐसे ही है जो बुजुर्ग अवस्था की है जो बाबू वीर कुंवर सिंह का था, कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो जवानी की तस्वीर दिखती है, ऐसी एक तस्वीर आपको और भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी भी है जब पीछे लड़ाई होती दिख रही है और बाबू वीर कुंवर सिंह का बैठा हुआ तस्वीर, तो कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से संग्रहालय में दिखाया गया कि जो लोग भी बाबू वीर कुंवर सिंह को जानने समझने की कोशिश करते हैं उन्हें यहाँ पे कई बातें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ढाल भी है और तलवार भी है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह का ध्वज, यानी कि जब वो जगदीशपुर पर किला पर राज करते थे तो उनका एक ध्वज हुआ करता था जो इस तरीके से होता था, को लेकर कुछ करते थे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह उनकी सेना का अभियान मार्ग, यानी किस किस रास्ते से वो गए 1857 के क्रांति के समय, कैसे उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उसकी पूरी तस्वीर है, यानी कि जगदीशपुर से किले से निकलकर नोखा सासाराम अकबरपुर रामगढ़ होते हुए कैसे कालपी कानपुर लखनऊ, यानी कि हिंदुस्तान के एक बड़े भाग पर बिहार और यूपी के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उन्होंने सेना का संचालन किया और अंग्रेजों से लड़ाई भी किया। पराधीन भारत को ब्रिटिश सत्ता के इस बंधन से मुक्त करने का जो संकल्प 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने लिया था वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। 23 अप्रैल 1858 भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम विजयोत्सव दिवस है जिसे याद कर राज की युवा पीढ़ी जोश से भर उठती है। अपना सर्वस्व बलिदान कर अंग्रेजों के ध्वस्त किए जगदीशपुर महल पर पुनः विजय पताका फहराकर उसमें अंतिम सांस लेना उनके अदम्य साहस और संकल्प का परिचायक है। 23 अप्रैल का विजयोत्सव उनके शौर्य और बलिदान की गौरवमयी गाथा से देशवासियों को उत्प्रेरित करता रहा है। वीर कुंवर सिंह सिर्फ जगदीशपुर और बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मान, अभिमान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। ऐसे वीर कुंवर को बारंबार नमन। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट।